आज प्रदेश में 2 योजना का शिलान्यास हुआ, इसके साथ में फसल बीमा योजना, किसान कल्याण योजना की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, बोले जय श्री महाकाल। और फिर महादेव का नाम वनखंडेश्वर हो तो उनका भी जयकारा तो बनता है ना, बोले वनखंडेश्वर महादेव की। जिस भिंड की धरती पर काल के प्रवाह में, अतीत के काल में बीहड़, डकैत, गुंडागर्दी, पता नहीं किस किस कारण से हमारे क्षेत्र का, पता नहीं क्यों वो काला समय था कि एक पहचान बनी हुई थी। और ऐसे शासन काल में जिनने शासन किया, यहाँ की आम जनता बहुत सुशील, शांति प्रिय, अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहने वाली और विकास को पसंद करने वाली, लेकिन काल के प्रवाह में जो सरकारें आई उनमें दम नहीं था, इसलिए समस्या खड़ी करके आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। जीने में उनको कठिनाई आती थी, रात हो नहीं उसके पहले घर पे आ जाए आदमी तो लगता था कि जान बची, विवाह शादी कोई मौका आए तो मालूम पड़े रास्ते में क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार होती है, ये सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं, इस बात की बधाई आप सबको देना चाहता हूं। और हम अपने केवल शांतिप्रिय व्यवस्थाओं के लिए नहीं, लंबा समय निकला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जोरदार अभिनंदन करो हमारे मोदी जी के लिए, जिनके रहते हुए भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, लोक लुभावन, लोगों को ललचाने वाली योजनाओं के बजाय वो लोगों के दिलों पे राज करते, दिलों पे हमारे लिए इस बात का गर्व है। एक ऐसे नेता जो अपने लिए खुद का कुछ भी नहीं है, जिनका खुद का परिवार भी नहीं है, लेकिन 22 करोड़ लोगों को घर बना के पक्का देते हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। वसुधैव कुटुंबकम का केवल नारा सुना था हमने, लेकिन समूची पृथ्वी, समूची वसुधा वो एक कुटुंब की तरह है। और ऐसे सांस्कृतिक भाव को जागरण करते हुए कोविड के कठिन काल में जिनने आपने आचरण से, व्यवहार से, पहले ताली फिर थाली, हमने जब ताली थाली बजाई तो कांग्रेस के लोग मजाक बना रहे थे, ताली थाली से क्या होता है, लोग समझ नहीं पाए। वो नरेंद्र मोदी जी थे, लोगों को लॉकडाउन करके अपने अपने घरों में रखा और समय के साथ अंदर के सारे तंत्र खड़े करते करते, जिन्होंने सारी व्यवस्थाओं को, अपने हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को, दवाई व्यवस्थाओं को, नए टीका इजाद करने के लिए, और कम समय में ना केवल अपने 142 करोड़ देशवासियों की जान बचाई बल्कि 100 से ज्यादा देशों के लिए भी दवाई उपलब्ध कराई, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने की जरूरत। कि जब 5 साल का हिसाब हमको रखना है, धीरे धीरे हम लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव की तरफ पहुंच रहे हैं तो हमको वो सारी बातें करना पड़ेगी। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है वो जनता के पास है, और जनता की ताकत को एहसास करा करके दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अपने को इस बात का गर्व है। आप अंदाज लगा लो कहां अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, देश की हालत खराब थी, मनमोहन सिंह जी तो बहुत होशियार थे, वित्त मंत्री थे, पता नहीं कितने गुण उनके पास थे, लेकिन उनको एक गुण मालूम नहीं था कि गरीब आदमी भी बगैर पैसे के बैंक में खाता खोल ले, ये नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। सभी बेईमानों की, सभी 400 बीसियों की और सरकारी पैसे पे डाके डालने वालों की सारी योजनाओं को धता बता करके जिनका हक उन तक पहुंचाने का अगर किसी ने अधिकार दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का।
अभी अभी आप अंदाज लगाओ, मैंने यहां सिंगल क्लिक से फसल तो कट के अभी घर में आई नहीं है। जो फसल का मुआवजा नुकसान ही हमारा हुआ है वो सारा का सारा पैसा किसानों के अपने खाते में लगभग 800 करोड़ रुपया अपने यहां यही डल गया है। ये भाजपा की सरकार है, हमारे लिए एक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आजादी के बाद पहली बार कि किसान की हालत, ये तो किसानी का क्षेत्र है हमारा भिंड, तो यहां पर आम आदमी के जीवन में किसानों के लिए अगर दो पैसे दे तो गलत क्या है, तो 6000 रुपया माननीय मोदी जी का और 6000 अपनी माननीय पुरानी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार की योजना का जोरदार अभिनंदन करो, वो पैसा भी आपके खाते में डाल दिया गया है। 80 लाख किसानों के खाते में लगभग 1100 करोड़ के आसपास ये राशि डाल करके हमने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साबित की है। हमने सबने विश्वास किया है, ये पूरा भारत, भारत भूमि अगर दुनिया में जानी जाती तो किसके लिए जानी जाती है, एकमात्र कारण हमारी वसुधा में हमारे किसान, जिनके दो घर होते हैं, एक में रात को सोता है, दूसरा किसान के रूप में दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है, लाखों लाख लोगों के लिए जीवन में बदलाव के लिए वो अपनी पूरी जवानी, पूरा खून पसीना बनाता है। मैं जोरदार अभिनंदन करो अपने किसान बंधुओं के लिए जिनके कारण से ये मौका हमको मिलता है। आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें कह सकता था लेकिन टाइम कम है, इसलिए कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी कृषि कॉलेज की बात है, ये आपके यहां से ये भिंड में कृषि कॉलेज होना चाहिए। हमने अपने विश्वविद्यालय के अंदर वो कॉलेज के जमाने गए जब कृषि कॉलेज अलग से खोला जाए, सामान्य विश्वविद्यालय में भी अब एग्रीकल्चर की पढ़ाई हमारी सरकार कराएगी। जोरदार अभिनंदन करो, आने वाले समय में भिंड में कृषि के बच्चों को बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी कॉलेज में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट खोला जाएगा, यहां के बच्चे यही पढ़ेंगे। आपने कहा कि गोरी सरोवर संपूर्ण गोरी सरोवर का कोई आपने सौंदर्यकरण का निर्णय बताया, मेरे को प्रस्ताव दिया है भिंड के अंदर गोरी सरोवर का संपूर्ण कायाकल्प करते हुए उसका विकास करा जाएगा, हमारी सरकार उसका विकास करेगी। आपने कहा कि नया गांव में महाविद्यालय खोलना है, हैं? 50 पंचायत लगती है, वो कॉलेज खोलना है। मैं परीक्षण करा करके वहां कॉलेज घोषणा करता हूं कि वहां भी कॉलेज खोला जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ने जाए। क्यों स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए? ये बदलते दौर की सरकार है। निश्चित रूप से इसके साथ साथ मुझे बताया कि इटावा से भिंड का रास्ता, हमारी सांसद जी ने कहा है कि ग्वालियर से भिंड इटावा 6 लेन स्वीकृत हो चुका है लेकिन बार बार काम चालू नहीं होता है। आपने बोला इधर मंजूर करते हैं, क्यों चालू नहीं होता? 10 बार होगा, एक बार नहीं, ये रोड अपना 6 लेन बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो संध्या जी के लिए। या हमारी बहन जी कोई बात मांगे तो हम इनकी मांग मंजूर नहीं करें, ये कैसे हो सकता है? विकास के मामले में कोई अड़ंगा नहीं, ये भाजपा की सरकार है। हम सब जानते हैं, एक भैया साहब पैदल पैदल घूम रहे हैं, उनकी पार्टी ने पहले तो भगवान राम का विरोध करा, भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध करा, और आप क्या कहते हैं, राम आपके ही नहीं, राम हमारे भी है। हाँ भैया, हमारे और तुम्हारे राम में ये अंतर, हम तो जय श्री राम करके कार सेवा का आंदोलन करने गए और तुम और तुम्हारे साथ वालों ने गोलियां चलाई, कांग्रेस ने पीठ थपथपाई उनको, ये पाप आपके माथे है, इसको कोई नहीं बचा सकता। और बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और फैसले के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन के गए, तब भी आप नहीं आए। जब लोकार्पण हो रहा है, अरे कोई बात बताओ, किसी को कोई निमंत्रण देता है क्या, आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, आपकी इच्छा हो
या मत हो, कोई उसको ठुकराता है क्या? कोई मुंह पे मना करता है क्या? लेकिन ये कांग्रेस के बेशरम लोग जिनने इतने बड़े हिंदू समाज की भावना का, और केवल हिंदू नहीं, मैं बधाई देना चाहूंगा, भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई और कोई समाज, पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा रहा। हम सब वो गौरवशाली पल को भूल नहीं सकते हैं, 22 जनवरी का वो दिन। लेकिन इन अभागों ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकराया है। मैं जानता हूं भिंड के लोग समझदार है, जो हमारे देवी देवता का अपमान करे, जो हमारे अपने धर्म का अपमान करे, जो साधु संत का अपमान करे, क्या आप मान सकते हो उनका सम्मान होगा? कोई इधर से बोलो, कोई उनका सम्मान करेगा क्या? इधर से आवाज आना चाहिए भगवान जय जय श्री राम, उधर से आवाज आना चाहिए जय जय श्री राम। अगर मेरी बात से सहमत हो तो सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी। ये दुष्ट पापियों अभागों के साथ जो हमारे देवी देवता का अपमान करे, हम इनको मौका नहीं देंगे, सारा हिसाब चुकता करेंगे। लोकतंत्र के अंदर हमको कहीं डंडा बंदूक गोली लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में यश है, इधर आपने बटन दबाया, उधर अपना हिसाब अपने आप चुकता हुआ। बोलो तैयार हो? तैयार हो तो बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक ही हमारे मध्य प्रदेश को समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले आज एक बड़ा दिन है, किसान सम्मेलन, किसान सम्मान निधि के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आदर पूर्वक आग्रह करूंगा कि आप आए और आज किसानों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। 80 लाख से ज्यादा किसानों को 1816 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही पलों में अपने शुभ हाथों से मध्य प्रदेश का विकास की गति, जोरदार तालियां, किसान सम्मान निधि का अंतरण 1816 करोड़ रुपए, तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वयं किसान पुत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों की जीवन में खुशियां लाएगी ये राशि, किसान सम्मान निधि का अंतरण। तालियां कमजोर है भिंड, एक बार जोरदार तालियां बजाएं यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, स्वयं किसान पुत्र और आज 1816 करोड़ रुपए से 80 लाख से ज्यादा किसानों की जीवन में खुशहाली, समृद्धि, चेहरे पे मुस्कान आएगी और एक किसान की मुस्कान उसके परिवार को एक नई जीवन देगी। प्रधानमंत्री जी की भी सोच है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस सोच को सही तौर पे फलीभूत, साकार, एकाकार कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश की जनता के लिए। इस श्रृंखला में एक और बड़ी बात करें, फसल बीमा योजना राशि का अंतरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभ हाथों से होना है। और जी हां, 755 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि अंतरण, जोरदार तालियां बजाएं, जिससे 25 लाख से ज्यादा किसानों को लाभान्वित होंगे और 23 खरीफ फसलों को इससे लाभ मिलेगा। कितना बड़ा क्षण है, मध्य प्रदेश कृषि में अग्रणी मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश कृषि में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ रहा है। मध्य प्रदेश मां नर्मदा की कृपा है और ऐसे नदियों की जाल है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने संकल्प से साकार करने की एक वाकई में सोच नजर आती है। और आज एक और बड़ा दिन है, दो बहुत अहम योजनाओं के अपनी राशि अंतरण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आज लोकार्पण एवं भूमि पूजन, आज भिंड की तस्वीर बदलेगी, भिंड विकसित, समृद्ध, गौरवशाली होगा। 1,93,35,00,000 रुपए की लागत से 68 विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि अपने शुभ हाथों से सिंगल क्लिक के माध्यम से कृषि एवं सहकारिता सम्मेलन में 193.35 करोड़ की लागत से 68 विकास कार्यों का लोकार्पण हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक, प्रदेश के गौरवान्वित करने के लिए समृद्ध, गौरवशाली मध्य प्रदेश बने, इसके लिए संकल्पित। दोस्तों, ऐसी जानकारी की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।